टॉप व्यू में जाएंगे चैम्फर बॉक्स बनाने के बाद, और इसमें जाके एक प्लेन ले लेंगे। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में प्लेन मिलता है, एक प्लेन ले लेंगे। जितना बड़ा आपको बेडशीट चाहिए उतना बड़ा प्लेन ले लीजिए, इसके ऊपर ही चैम्फर बॉक्स के ऊपर। जितना बड़ा बेडशीट चाहिए उतना बड़ा प्लेन ले लेंगे। प्रस्पेक्टिव व्यू में जाइए और प्लेन को बेड के ऊपर लाइए। प्लेन जो है मेरा बेड के नीचे है, बेड के ऊपर लेके आइए एकदम। ये सटा के नहीं, थोड़ा ऊपर होना चाहिए बेड से ऐसे। ठीक, लिखिए। प्लेन के मॉडिफाई में जाएंगे और लेंथ सेगमेंट 30 रहेगा, विड्थ सेगमेंट 30 रहेगा। लेंथ सेगमेंट 30, विड्थ सेगमेंट 30। फिट इंचेस कुछ नहीं, 30 सेगमेंट है वो, कोई डायमेंशन नहीं है, सेगमेंट है। ये देखिए, ये सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट है, कितना पीसेस सेगमेंट, तो फिट इंच कितना सा है। मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे, क्लोथ डालेंगे इसमें। उसके बाद इसमें जो चैम्फर बॉक्स हम बनाया है जिसके ऊपर हमको बेडशीट बनाना है, उस बॉक्स का नंबर याद रखिएगा। जैसे इसमें सेलेक्ट करेंगे यहाँ शो कर रहा है चैम्फर बॉक्स 001, अभी तो पता चल जाएगा यहाँ से क्या बोलते हैं, अगर नहीं भी देखिएगा तो पता चल जाएगा कि वही है। लेकिन अगर बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं आप और उसमें बेडशीट बनाना है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसके ऊपर बनाना है, क्योंकि बाद में हम लोग ऑप्शन डालना होता है कि बेडशीट किसके ऊपर बनाना है। ठीक है, तो वहाँ से आपको ऐसे चेक करना होगा, देखना होगा ये कितना नंबर है, वो याद रखना होगा। सर यहाँ रिनेम नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, पहले यहाँ जो नाम डालना डाल दिया। ठीक है, सेलेक्ट में कलर बनाते हैं। हाँ, तो अभी क्लोथ ले लिए, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ऐड क्लिक करके नहीं यहीं आएगा, क्लोथ लेने के बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ऐड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ले लिए प्लेन क्लोथ, ओके। फिर से जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में दोबारा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जाके लेंगे ऐड ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को किसके ऊपर बनाना है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड। कॉलिजन ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद सिमुलेट लोकल डैम्ड कर देंगे, ये धीरे धीरे नीचे स्लिंग करेगा। बढ़ गया, यहाँ रुकना है, वहाँ रुक लेंगे। स्केल फिट ये कर सकते हैं आप, सेल अटर्बो स्मूथ।
ठीक है, लेकिन कहीं पर अगर आपको बेडशीट को फोल्ड करके दिखाना, मोड़ के दिखाना, तो वो कैसे दिखाएंगे? वो चीज़ देखिए, ये तो सिंपल था, सीधा सीधी था, इजी है, लेकिन मोड़ना है तो उसको थोड़ा सीखना होगा। ठीक है, कैसे मोड़ेंगे? तो यहाँ से अभी हम इस सबको हटा लेते हैं, क्लोथ वगैरह को हटा लेते हैं, प्लेन हो गया मेरा, सीधा सीधा प्लेन है। प्लेन में मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे और लेंगे बेंड कमांड, बी से बेंड। देखिए स्प्रेडशीट को फोल्ड करने के लिए प्लेन में बेंड कमांड यूज करेंगे, सेगमेंट लेने के बाद 30 सेगमेंट ले लिए थे उसके बाद बेंड कमांड का यूज करेंगे, मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे बेंड, बेंड में जाएंगे, एंगल को बढ़ाएंगे 100-150 तक रखिए, ठीक है। बेंड एक्सिस फिर जाइए, बेंड एक्सिस में जाकर के एक्स एक्सिस एंगल बढ़ाएंगे, हाँ एंगल 100-150 के बीच पर रखिए, बाद में बढ़ाना घटाना ही पड़ेगा अपने हिसाब से। बेंड एक्सिस में जाके एक्स एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। अब किधर से मोड़ना, हमको इधर से मोड़ना है इसको, पहले क्या करेंगे, लिमिट इफेक्ट को ऑन करेंगे और यहाँ से अपर लिमिट को बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, देखिए लिमिट इफेक्ट को ऑन करेंगे, अपर लिमिट को बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो पता चलेगा कि मेरा जो है नीचे से मोड़ रहा, हमको बेडशीट को ऊपर से मोड़ना होता, ये मोड़ रहा है नीचे से, तो क्या करेंगे पूरे ऑब्जेक्ट को ही हम लोग रोटेट कर लेंगे। अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री, हमको ऐसा रोटेट होगा, ये एंगल है ना, इसमें जाकर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ से एंगल में जाकर 90 डिग्री डाल दीजिएगा तो 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। ये एंगल स्नैप टॉगल, इसमें ऑन करके और राइट क्लिक करने से डिग्री डालने का बोलता है, कितना डिग्री में आपको रोटेट करना है, ठीक है। हम इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा। अब जब हम इसको लिमिट इफेक्ट को बढ़ाएंगे तो पता चलेगा मेरा ऊपर से मोड़ रहा है, ठीक। अभी क्या ये बहुत उठा हुआ, इसको एंगल को नीचे करेंगे और एंगल बढ़ाएंगे, नीचे मुड़ गया। अब हमको ये पूरा कुछ ज़्यादा आगे आ गया, हमको इसको पीछे लग जाना, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको पीछे लग जाना, तो बेंड को ऑन करेंगे और इसमें गिज्मो है, गिज्मो को पकड़ करके मूव कर लीजिए पीछे की तरफ, देख लीजिए गिज्मो, बेंड को ऑन करते हैं, हाँ ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और इसको टेढ़ा करना है तो एंगल को ऑफ कर लीजिए और इसको फिर से रोटेट कर लीजिए स्टेप्स, ठीक। अब यहाँ से बेडशीट का प्रोसेस पूरा, जो डाले थे क्लोथ, अब ये प्रॉपर्टीज प्लेन क्लोथ, ओके, फिर अब ये प्रॉपर्टीज ऐड ऑब्जेक्ट चैम्बर बॉक्स ऐड कोलिजन ऑब्जेक्ट, ओके, सिमिलर टू प्रोग्राम, रुकना स्केप कर लीजिए, शेल डालना होगा थिकनेस के लिए, टर्बो स्मूथ, ऐसा समझ में,